हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सब लोगों का सुमन ब्लेज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि ऐसा वीडियो मैंने अभी तक नहीं बनाया है। और ये वीडियो मैंने किसके ऊपर बनाया वो भी आपको बता देती हूँ। एक बहुत बड़ी यूट्यूबर है, बहुत बड़ी, जो फूड रेसिपी बनाती है, और जिनका नाम है निशा मधुलिका। और मैं उनको बहुत पहले से उनकी वीडियो को देखती हूँ, उनकी रेसिपी देखती हूँ। और वो मैं कब से देख रही हूँ, जब से मैंने अपना चैनल स्टार्ट भी नहीं किया था तब से देख रही हूँ। और उनकी चीजें देख देख के, यानी कि उनका खाना, उनकी रेसिपी देख देख के हमने बहुत कुछ सीखा है। तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। और जिनके चैनल को देख देख के, जिनको फॉलो करके हमने इतना सब कुछ सीखा है, तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। तो वो बताती रहती है कि खाना को बर्बाद कैसे, बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए। और बिल्कुल भी, जैसे हम खाना बनाते हैं तो आपका कभी कभी खाना ज्यादा बन जाता है, तो उसका दोबारा से यूज कैसे कर सकते हैं, उसको दोबारा से कैसे खा सकते हैं, ठीक है, वो सब बताती हैं वो। तो वही एक छोटी सी रेसिपी मैंने भी बताई है। तो अगर आप देखना पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। न्यू हो मेरे चैनल पर तो चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लेना प्रेस, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। वैसे मेरा फूड चैनल नहीं है, बस एक छोटी सी वीडियो बनाई है मैंने, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और तो आइए स्टार्ट करती हूँ मैं। मैंने रख दी है तुअर की दाल उबलने के लिए। उसमें डालेंगे बैगन और सहजन की फली, टिंडोरा और आलू बारीक बारीक हमने काट लिया। एक आलू काट लिया बड़ा, और एक बड़ा बैगन था उसमें से आधा काट लिया है। चार पांच टिंडोरे लिए हैं और सहजन की फली ली है दो। तुअर की दाल को अरहर की दाल भी बोलते हैं। और हमने उसमें डाल दिया है नमक। अब हम इसको उबालने के लिए रख देंगे। तो दाल उबालने के लिए रख दी थी पहले मैंने सारी सब्जियां, फिर उसमें डाल दी, फिर नमक डाल के बस बंद कर दिया। अब हम बनाएंगे नारियल की चटनी। ये है हरा नारियल। और दाल हमारी उबल चुकी अच्छे तरीके से, देख लीजिए आप लोग। तो अब हम इसमें लगाएंगे बघार। बघार किस तरीके से लगाना वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक ली है भगोनी। भगोनी में तेल डाल दिया है, तेल हो रहा है गरम। और अब हम उसमें डालेंगे जीरा और राई। राई का बघार बहुत अच्छा लगता है, तो आप राई भी डाल सकते हो। राई नहीं है तो जीरा भी डाल सकते हो। हींग, जीरा डालते हैं जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। राई भी डालते हैं। अब मैंने डाला इसमें कड़ी पत्ता, और हमने डाल दिया है लहसुन और अदरक बारीक बारीक काट लिया था वो। और अब हम डालेंगे इसमें प्याज और लहसुन का। हमने चार पांच कली ले लिया था। प्याज हमने एक बड़ी ले ली थी, हरी मिर्ची 2 से 3 ले ली थी, और अदरक का लिया है छोटा सा टुकड़ा। तो टमाटर भी हमने 2 ले लिए हैं, काट लिए बारीक बारीक। तो मसाला हमारा जब तक ये भुन रहा है, साथ में टमाटर भी डाल देते। टमाटर को भी पकना बहुत ज़रूरी है, तो टमाटर को हम पकने के लिए साथ में डाल देते। प्याज हमारी थोड़ी भुन गई थी उसके बाद। तो देख लीजिए प्याज और टमाटर भुन चुके हैं अच्छे से। तो हम इसमें डालेंगे मसाले सूखे। तो हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और फिर हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। और देख लीजिए थोड़ा सा डालेंगे गर्म मसाला। नमक तो हम पहले डाल ही चुके हैं, जब हमने दाल को बॉईल किया था तब हम डाल चुके हैं। तो अब इसको हम भुनेंगे, फिर हम इसमें डालेंगे हमारा जो हमने पहले से उबाल के रख लिया था ना सांभर। थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, मुझे कम लग रहा था। अगर आपको लगे तो आप भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो अब हम इसमें डालेंगे दाल हमारी। और हमने देख लीजिए इमली का पानी भी, इमली को पहले भिगो के रख दिया था, तो इमली का पानी भी हमें इसमें ऐड करना है। हमको खट्टी के लिए बनानी तो सिर्फ इमली का पानी डाल सकते हो आप। अगर खट्टी मीठी बनानी है तो आप उसमें चीनी भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो देख लीजिए अब क्या करने वाली हूँ मैं इसमें। तो अब हम इसमें डालने चीनी, क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ तो ऐसा खाना तो हो नहीं सकता कि जिसमें खट्टा और मीठा ना हो। इसमें खटास और मिठास के बिना तो गुजराती कोई भी खाना पूरा होता ही नहीं है। तो हम इसमें डालने वाले हैं चीनी, और हम डालेंगे इसमें जो इमली का पानी था वो, जिससे खट्टा मीठा बराबर बैलेंस बैठ जाएगा। और अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप नींबू भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इमली से कुछ ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं इमली, इस वक्त मैं इमली यूज़ कर रही हूँ। घर पे जब बनाया था तो घर पे इमली नहीं थी, तो मैंने नींबू यूज़ कर लिए थे। तो अब इसको रख देंगे बॉईल करने के लिए, अच्छे से इसमें उबाला जाएगा, फिर हम करेंगे दूसरा काम। अभी हमको चटनी भी बनानी है, जैसे कि
और हरे नारियल जो मैंने अभी दिखाया था उसकी चटनी भी बनानी है। तो मैंने अभी थोड़ा सा टेस्ट किया था तो इसमें अभी खटास कम लग रही थी, तो मैंने नींबू का वो जो इमली का पानी था वो भी हमने डाल दिया पूरा। अब अच्छे से बॉईल हो रही है, देख लीजिए सांभर बॉईल हो रहा है, तो हमने इसमें धनिया ऐड कर देते हैं। तो और अभी एक चीज़ और बाकी रह गई है इसमें डालने के लिए, तो वो है क्या पता आपको, अभी इसमें ऐड करने के लिए रह गया सांभर मसाला, तो वो भी हम इसमें फटाफट से ऐड कर देते हैं। तो सांभर हो जाएगा हमारा रेडी, फिर हमको कुछ नहीं करना। तो ये है हमारा बैटर जो हमने इडली के लिए भिगो के रख दिया था, रात को हमने चावल और दाल को भिगो के रख दिया था, फिर सुबह के टाइम हमने पीस के तुअर की दाल और चावल को भिगो के रख दिया था, सुबह के टाइम हमने इसको पीस के रख दिया और रात के टाइम देख लीजिए फूल के ये रेडी हो गया है इडली बनाने के लिए। तो हम पहले बैटर में लगाएंगे चौंक। तो कटोरी रख दी हमने गरम करने के लिए, तो कटोरी में डालेंगे थोड़ा सा तेल। अब हम इसमें डालेंगे राई, आपके पास कड़ी पत्ता तो आप कड़ी पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ राइस का छौंक लगाऊंगी। तो अभी राई डाल देती हूँ मैं, राई चटकने लगेगी तो फिर हम इसको डाल देंगे हमारे बैटर में, ठीक है। तो फटाफट से बैटर में डाल देती हूँ, अच्छे से राई तड़क चुकी है तो बैटर में डाल दिया। अब इसको करेंगे हम मिक्स, और मिक्स करने के बाद क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। अभी मेरे पास इडली का कुकर नहीं है, तो बिना कुकर के कैसे इडली बनाएं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये है सांभर मसाला, मैं याद भूल गई थी डालने के लिए, तो मैं अभी डाल देती हूँ और इसको थोड़ा सा गर्म और कर देती हूँ। तो सांभर हमारा रेडी हो चुका, अब हम बनाएंगे चटनी नारियल की। तो नारियल का जो नारियल था उसकी छिलका हमने निकाल लिया, बारीक बारीक काट लिया है, और उसमें नमक और मिर्ची ऐड करके हमने पीस लिए, तो हमारी चटनी भी हो गई है रेडी। तो देख लीजिए कढ़ाई में पानी रख दिया था मैंने गर्म करने के लिए, उसके ऊपर रखी थाली, और थाली में जो हमने इडली का बैटर बनाया था वो रख दिया, तो वो बन के रेडी हो चुकी है। चलो मैं दोबारा से एक बार फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो देख लीजिए थाली में लगाना हमको तेल, जिससे कि चुपके ना आसानी से निकल आए, हमारा जो इडली है वो आसानी से निकल आए। तो अब हम इसमें जो हमारा बैटर था वो हम डाल देते, किस तरीके से आइए आप लोग भी देख लीजिए। इस तरीके से हम चारों साइड अच्छे से फैला देंगे, फिर हम इसको ढक देंगे। आपके पास जो कोई बड़ा बर्तन हो, थाली आए थाली कुछ भी, मतलब एकदम पूरा कवर होना चाहिए। तो मेरे पास इडली मेरे पास तवा था तो मैंने उससे ढक दिया है। तो देख लीजिए कितना अच्छा बन के रेडी हुई है। तो आ जाइए दिखाती हूँ क्या क्या बना है। तो सांभर रेडी हो चुका है, चटनी रेडी हो चुकी है, और जो इडली है हमारी बस चौकोर बनी है, टेस्ट वैसा ही आ रहा है। तो अभी दूसरे दिन की सुबह है और मैं बना रही हूँ खाना नाश्ता। तो रात को इडली जो मैंने बनाई थी वो बच गई थी, तो उसको मैं कैसे रीयूज़ कर रही हूँ तो आप लोग देख लीजिए। तो हमने ली है, हम दो ही लोग हैं उसी हिसाब से हमने ले लिए हैं जो इडली हमने बनाई थी वो। अब हम इनके थोड़े छोटे छोटे कर लेंगे टुकड़े, और बहुत ही अच्छा बनता है इसका नाश्ता, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपके घर पर इडली बच जाती है तो आप उसको फेंकें बिल्कुल भी ना। तो छोटे छोटे टुकड़े कर लेती हूँ फटाफट से, और फिर क्या करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। और कढ़ाई हमने रख दी है गरम करने के लिए गैस पे। फिर हमको टमाटर, हरी मिर्ची और प्याज चाहिए, नींबू चाहिए, और जो लिमड़ी होती है यानी कि कड़ी पत्ता वो चाहिए। अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना उसके भी बना सकते हैं। तो कढ़ाई में डाल दिया हमने तेल, तेल को होने दिया थोड़ा सा गर्म, और उसके बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कढ़ाई में क्या है, मैंने थोड़े दिन पहले पकौड़ी बनाई थी बस वही तेल है, तो उसका ही थोड़ा बहुत रह गया है। तो तेल गर्म हो चुका तो हमने डाला इसमें हींग जीरा, फिर डाला कड़ी पत्ता, और फिर डाली हरी मिर्ची और प्याज। अब इसको हम भुनेंगे, थोड़ा ही तेल डालते हैं क्योंकि अभी थोड़ा ही है तो ज़्यादा तेल अच्छा नहीं लगता है। तो हमारी प्याज थोड़ी भुन गई है तो हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, टमाटर को भी थोड़ा बहुत भुनना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसको भुनने देंगे थोड़ा सा भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें करेंगे ऐड मसाले। तो देख लीजिए क्या क्या ऐड करना, एक मिर्ची है जो कलर देती है, एक मिर्ची है जो तीखी बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी थोड़ी दोनों मिर्ची डाल देती हूँ, और डाल देती हूँ धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक। आपकी जितनी इडली उसके हिसाब से ये सारे मसाले आप डाल लीजिए, वरना मैं आपको बता दूँगी इतना डाल लो तो आप कहीं ज़्यादा बनाओगे तो कम पड़ जाएगा ना, अपने अपने हिसाब से मसाले डाल लीजिए। और उसके बाद हम डाल लेंगे इडली जो हमने अभी टुकड़े करके रख लिए थे वो। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इस तरीके से चलाते रहेंगे और अच्छे से मिक्स, बिल्कुल धीमी आग
पर हमको इसको मिक्स करना, वरना ये चिपक जाएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे नींबू का रस और धनिया, हरा जो धनिया आता है वो। तो देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है, जितना अच्छा ये देखने में लग रहा है ना उतना अच्छा ये खाने में भी लग रहा था। तो धनिया ऐड कर दिया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा खाने में। मेरे हिसाब से तो बर्बादी से बहुत अच्छा है। आप बर्बाद करो खाना तो उसका रीयूज़ करना सीखो, और जिसको खाने के लिए नहीं मिलता खाना उनको पूछो वो कैसे दिन गुजार रहे हैं। हम लोगों का खाना बच जाता है तो हम फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको अपना दिमाग लगा के उसको दूसरी बार, रात को हमने जो इडली बनाई थी उसका बैटर थोड़ा सा बच गया था, तो हम एक कटोरी में थोड़ा सा बिल्कुल, तो हमने तवा गर्म करने के लिए रख दिया है, डोसा वाला तवा है ये, तो थोड़ा सा हमने इसमें लगाया है तेल। तेल नहीं लगाते हालांकि, लेकिन मैंने फिर भी लगा दी, बस इतना ही बैटर बचा। तो मैंने कहा इसका क्या करूं, तो मैंने कहा सुबह नाश्ते में दो डोसा बना देती हूं, क्योंकि इडली तो रात को खाई थी। तो इस तरीके से बर्बाद ना करें भाई, आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फैला दीजिए, और वैसे भी डोसा और इडली शायद मेरे ख्याल से एक ही बैटर से बनाते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो हम अच्छे से फैला देंगे। अब इसको पकने के लिए हम रख देंगे, जब तक ये अपने आप तवे से छूट ना जाए तब तक हम इसको पकने देंगे, ठीक है। और ये पक जाएगा फिर हम बनाएंगे दूसरा वाला, और हमारे नाश्ते में आज क्या क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो देख लीजिए पक चुका अच्छे से, तो हम इसको थाली में निकाल लेते हैं। अब हमको दूसरा भी बनाना, सिर्फ दो ही डोसे का बैटर था हमारे पास, तो हमने कहा इसको क्यों फेंके, इसको बना के खाएंगे हम, और रात को हमने इसको फ्रिज में रख दिया था, ठीक है। तो वैसे भी आप लोगों को पता है फ्रिज में कोई भी चीज़ जल्दी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती है, तो इसको अच्छे से फैला देंगे तवे पे, और देख लीजिए पक जाएगा तो फिर हम इसको उसी की तरह से पलट देंगे, तो रेडी हो जाएंगे हमारे डोसा। तो ये देख लीजिए हमारा आज का नाश्ता, डोसा जो रात के इडली का दोबारा हमने नाश्ता बनाया था वो, और ये देख लीजिए रात का सांभर रखा था फ्रिज में वो मैंने गर्म कर लिया है, और ये है हमारी चटनी। और आज है कुछ खास, हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, उनका बर्थडे है, उनका नाम है पल्लवी जी। पल्लवी जी आपको हैप्पी बर्थडे मेरे तरफ से, और आप हमेशा यूं ही खुश रहो, और आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हो वो आपको मिल जाए। बस हम तो यही दुआ करेंगे कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो, जो आप चाहो वो आपको मिल जाए, और कभी भी आपको कोई भी दुख ना हो, कोई भी गम ना आए आपकी लाइफ में, बस हमेशा ऐसे ही खुशी से बस ऐसे ही रहो, बस यही दुआ है मेरी। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड, बहुत बड़ा हो गया है, तो पसंद आए तो लाइक कर देना, और नहीं आए भाई तो भी कर देना, लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।